हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भागा तीरू चैनल। मैं हूँ शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं मैट एग्ज़ाम के पर्सेंटाइल और परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले बता देते हैं परसेंटेज और पर्सेंटाइल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, परसेंटेज तभी होता है आप कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम दिए। बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद 5 सब्जेक्ट होता है आपका, कभी कभी 7 सब्जेक्ट भी होता है टेंथ लेवल पे कई कई कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ में। तो 5 के अंदर जितना भी हुए हैं, मतलब मान लीजिए 500 में से आप 450 लेके आए हैं, तो उसको 5 देके अगर आप उसको अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 90% आ जाएगा, 90% आ जाएगा, ठीक है। और उसी टाइम आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं लाइक नीट का, JEE का, तो इसमें आपका परसेंटेज नहीं आता, एक रैंक आता है आपका और मार्क्स आता है अगर कभी कभी होता है। तो इसमें आपका देखिए मार्क्स दिया गया है, कॉम्पोजिट स्कोर दिया गया है और परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। स्केल स्कोर जो होता है आपका, जो स्कोर पाए हैं, तो स्कोर्स कैसे दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है 190, मतलब आपको टोटल स्कोर्स होता है 800 का। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मैट अथॉरिटी की तरफ से, आप अगर खुद से चेक कर पाइएगा तो आप खुद से भी चेक नहीं कर पाइएगा। मैंने इसको लगभग 2-3 घंटा अपने आप से काफ़ी सारा प्रोसीड्योर्स है मैंने चेक किया था, तो मेरे को नहीं मिला था किसी कोई भी प्रोसीड्योर नहीं मिला था। और यहाँ पर से देखिए कॉम्पोजिट स्कोर आपको 800 में से दिया गया है, ठीक है, 800 में से दिया गया है। अब कैसे किया गया है ये मैट अथॉरिटी जानते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई जानते हैं तो मेरे को बताइएगा, तो आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, तो उसके रिलेटेड आपके पास अगर कुछ नॉलेज है तो मेरे को बताइएगा, तो उसके बाद एक वीडियो बना देंगे अगर आपके पास कुछ नॉलेज है। तो परसेंटेज बिलो में आप देख सकते हैं यही है आपका परसेंटेज, और जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो परसेंटाइल यही आपको लिखना है। अगर आप मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इन्वायरमेंट को तो नहीं पकड़ा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप 4 को अगर काटते हैं इसका परसेंटेज निकाल के आप कैसे परसेंटेज निकालिएगा, ठीक है। तो अगर परसेंटेज निकालिएगा तो आप कैसे परसेंटेज निकालिएगा मेरे को बताइए। 800 में से परसेंटाइल निकालिएगा वहाँ पर से 800 में से, या आप 160 में से निकालिएगा। अब किसी में से जाइएगा तो किसी में भी नहीं होगा, आपको एक ही काम करना है जो परसेंटेज वहाँ पर लिखा गया है आप इसी को लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ क्वायरीज है तो आप मैट अथॉरिटी को बताइए आपका क्वायरीज, और माफ़ी चाहूँगा इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो मतलब कब से आवाज़ में दिक्कत हो रहा था। उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया मेरे तरह से सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।